बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी को, यानी आज हमारे पास मोशन के जो पैरामीटर हैं, पहले स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और उस स्पीड के बाद वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया, तो आज हमारे पास मोशन का लास्ट पैरामीटर आ जाता है, डेट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी को। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा कि यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आती है, डेट इज़ कॉल्ड, यानी व्हेन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विद डिस्प्लेसमेंट, इट बिकम वेलोसिटी, या सिंपली हमने के सिंपली वी कैन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, यानी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, कितने चेंज आई, कितने टाइम में आई, इसकी जो रेशियो होती है डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। फिर हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होती है कि इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अदरवाइज अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डेट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम बाद हमने डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक बात ये कही थी, याद रखें कि ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो वो ऑलवेज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही होती, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। बहुत सी वजूहत होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज कि हमारे पास क्या है कि एक बॉडी मूव कर रही है, पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। जो ही बॉडी बी पे पहुंचती है तो पॉइंट बी से जब सी की तरफ जाती है, उसकी वेलोसिटी पॉसिबल है कि पहले की निस्बत उसका जो ये जो पाथ है ये ज़्यादा स्मूथ हो, उसकी ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है। या पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहते हैं, स्पीड ब्रेकर पे जो गाड़ी पहुँचती है तो वो ब्रेक ड्राइवर जो होता है वो ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी पे, कार पे, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत सी वजूहत की वजह से हमारे पास, यानी बात सड़कें जो होती हैं वो बिल्कुल स्मूथली नहीं होती, उनमें क्या होती है, रफनेस होती है, खड्डे जंप होते हैं, जिसके वजह से बॉडी की वेलोसिटी कुछ और होती है। जब बॉडी मोटरवे पे घड़ी मोटरवे पे जा रही होती है तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। बहुत सी वजूहत की वजह से बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलवेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती रहती है, चेंज आती रहती है। जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आती है तो हम फिजिक्स की टर्म में वहाँ पर यूज़ करते हैं एक कंसेप्ट, हम कहते हैं कि जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रही हो तो फिर बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है, डेट इज एक्सेलरेशन। तो बॉडी इज ऑलवेज जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो तो वहाँ पे फिजिक्स की टर्म में हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है, डेट इज़ एक्सेलरेशन। पहले मैं सिंपली अगर इसकी डिफिनीशन देख लूँ तो वट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, कि हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ। तो एक्सेलरेशन, वट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कि वही वर्ड मैं यूज़ करूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, के वेलोसिटी में जब चेंज आए डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। का रेट का मतलब ये हुआ कि हमने कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में विद द टाइम जब चेंज आ रही हो तो वहाँ पे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं डेट इज रेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जब चेंज आए टाइम के लिहाज से, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम के लिहाज से चेंज हुई, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं डेट इज एक्सेलरेशन, के वहाँ पे हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। और अगर मैं इसकी सिंपली अगर इसकी डिफिनीशन करूँ तो सिंपली डिफिनीशन इसकी मेरे पास क्या हो जाएगी कि चेंज इन वेलोसिटी एंड यूनिट टाइम एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी चेंज इन वेलोसिटी एक सेकंड में
एक सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, डेट इज एक्सीलरेशन, उसको हम यानी चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम में जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, के एक सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज होती है वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि बॉडी बहुत सी वजूहत की वजह से हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, डेट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल, इन पहले हम लिख लेते हैं इन मैथमेटिकली के टर्म्स ऑफ मैथ्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं ए डेट इज़ इक्वल टू चेंज इन velocity में चेंज आए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी टाइम में भी चेंज हो और कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में चेंज हुई, ये रेशियो जो हमारे पास है ये क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। ये सिंपली ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव करके पॉइंट ओ से मूव करके ए की तरफ जाती है, ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जाती है और बी से मूव करके दोबारा ओ की तरफ आती है, यानी डेट इज इसका ट्राइंगुलर पाथ है हमारे पास। इस वक्त जो बॉडी की मूव स्पीड है डेट इज ओ से ए तक वी वन, उसको वेलोसिटी को कह देते हैं, बी से ए से बी की तरफ वी टू और बी से ओ की तरफ डेट इज़ वी थ्री। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कार है, कोई भी ये मेरे पास कार है, ये जब पॉइंट ओ से ए की तरफ मूव करती है, ओ से ए की तरफ मूव करती है, उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है डेट इज़ कॉल्ड वी वन। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। जब इसी तरह से ये कार पॉइंट मूव करती है ए से बी की तरफ मूव करती है, उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है डेट इज़ कॉल्ड वी टू वेलोसिटी। ये पाथ जो ही बॉडी पॉइंट ए पे पहुंची है तो पॉसिबल हो सकता है कि आगे रास्ता स्मूथ हो और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो डेट इज़ कॉल्ड 120 मीटर पर सेकंड। हाँ स्टूडेंट, एक बात इंपॉर्टेंट जो आपने जहन में रखनी है कि हमने कहा था कि हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी है, डेट इज़ कॉल्ड वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगी और इसकी डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगी, यानी मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगी डायरेक्शन भी। अब बॉडी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, अगर बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो बॉडी के अंदर फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो फिर भी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज अगर एक बॉडी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फिर एकदम उसकी हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज आई, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, चेंज इन मैग्नीट्यूड हो जाती है। इसी तरह से अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी सर्कुलर में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, अब 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड तो है, अब पूरे मोशन के दौरान होल मोशन में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड भी रह सकती है, लेकिन एट एवरी पॉइंट इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, यानी डायरेक्शन चेंज है। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों सूरतों में बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तो बॉडी के अंदर हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, रेट ऑफ चेंज है यानी वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के लिहाज से, तो वहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होगा एक्सेलरेशन का। तो बॉडी की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं मैग्नीट्यूड के चेंज होने से या डायरेक्शन से। ये आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आए तो उस वक्त कौन सा एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो उस वक्त कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं वेलोसिटी के चेंज होने से, वेलोसिटी में डायरेक्शन से चेंज हो फिर भी, या मैग्नीट्यूड में चेंज हो फिर भी, दोनों सूरतों में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी की जब पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है तो उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये बॉडी हमारे पास कार। अब
पॉसिबल हो सकता है ऐसे बी तक रास्ता स्मूथ हो तो बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। तो हम कहेंगे कि जब चेंज आई है तो हम कहेंगे कि ए जो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, ए यानी डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब डेल वी है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकता हूँ वी टू फाइनल चेंज किसी भी क्वांटिटी में। ऑलवेज फाइंड करने का तरीका यह है कि फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई डेल्टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टू जो है 120 मीटर माइनस 60 मीटर, डेट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई डेल्टी, और ये आ जाएगा 60 आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड, प्लस इसके अंदर चेंज आइए 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर सेलेक्शन प्रोड्यूस हो गया, बॉडी के अंदर कितना सेलेक्शन है, 60 मीटर पर सेकंड का सेलेक्शन है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं ये बॉडी के, हमने मैथमेटिकली टर्म्स यहाँ पे नोट किया, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉडी के। हाँ, हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास ऑलवेज क्या होती है, नेचर भी एग्जिस्ट करती है, नेचर के लिए यानी वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती हैं या तो एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या है नेचर, हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी नेचर क्या है, व्हाट इज नेचर, यानी ये नेचर के लिहाज से हमारे पास कैसी क्वांटिटी आएगा, ये वेक्टर है या स्केलर है। तो वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगी उससे जो इस क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी डेट इज बी वेक्टर, डेट इज वेक्टर। तो ये हमारे पास नेचर के लिहाज से कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डेट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी नेचर के लिहाज से ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, डेट इज वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। वेक्टर क्वांटिटीज के बाद हमारे पास इसके आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हम इसको यूनिट कैसे हैं, इसके हमारे पास यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास है, सिंपली हमने लिखा था कि वेलोसिटी को पहले देख लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेट इज एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी के यूनिट मैंने लिखे थे लास्ट टाइम, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस के यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट मीटर पर सेकंड। अब डेल वी के वही यूनिट यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, मीटर पर सेकंड और इनटू आगे ये टाइम का दोबारा यूनिट है, तो टाइम के जो यूनिट होंगे उसको वन डिवाइडेड बाई टाइम के यूनिट जो है वो सेकंड है, इस बात को समझिए। वेलोसिटी का यूनिट यानी मैंने मीटर पर सेकंड और साथ फिर टाइम के नीचे यूनिट फिर सेकंड आगे, तो मीटर पर सेकंड इंटू वन डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय वन, तो मीटर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट हमारे पास इसके क्या आ गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। के बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ऑलवेज हम मेजर करते हैं किस कौन से यूनिट में, हम मीटर पर सेकंड उसके यूनिट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे वेलोसिटी की टाइप्स थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन का, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी के अंदर चेंज आएगी, इक्वल चेंज, जैसे हमने वेलोसिटी में कहा था कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल टाइम में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। सिमिलरली इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, बॉडी मूव कर रही होगी एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यानी बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इक्वल चेंज, बॉडी इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वक्त जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज कि बॉडी की फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से मूव करके जाती है पॉइंट बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ई की तरफ, इस वक्त बॉडी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड,
20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। यानी ये बॉडी की हमारे पास इस तरह से बॉडी के क्या आ जाते हैं, बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, जूम बी पे पहुंची, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रही है। अब ये फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी की कितनी, फर्स्ट सेकंड में बॉडी का जो चेंज हुई है वो 10 मीटर चेंज बॉडी ने ट्रेवल किया। फिर सी पे पहुंचने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 10 मीटर। यहाँ पे भी 10 मीटर बॉडी के अंदर 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में एक एक सेकंड में इक्वल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी एक एक सेकंड में 10, एक सेकंड में 10 मीटर उसके वेलोसिटी में चेंज आ रही है, यानी इक्वल वेलोसिटी, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर इफ़ ए बॉडी मूव साइड डेट, चेंज ऑफ वेलोसिटी अकर इन बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन ऑफ द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से डेट बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्टेशन। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अदरवाइज कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। के अनइक्वल चेंज इन इक्वल, अनइक्वल चेंज का मतलब चेंज बराबर ना हो, अनइक्वल, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। कि जब बॉडी के अंदर जो बॉडी है वो मूव कर रही हो किस तरह से, अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वी डिस्कस अबाउट, हमारी डिस्कशन थी अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी में जब टाइम के लिहाज से चेंज आए डेट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। के कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुई डेट इज़ कॉल्ड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और सिंपली वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम डेट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी इन मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एरोहेड और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी चेंज है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कितने टाइम में, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई डेट इज एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल वी, डेल वी मीन चेंज इन वेलोसिटी, डेल टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल टी, डेल टी मीन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, देन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इफ ए बॉडी मूव, इफ ए बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन वी कैन से डेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। व्हाट इज द नेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ, यानी एक्सेलरेशन व्हाट इज द नेचर, इज इट इज वेक्टर क्वांटिटी आइदर स्केलर क्वांटिटी। सो नेचर, सो अकॉर्डिंग टू फिजिकली नेचर, नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन इज वेक्टर, यानी वेक्टर का, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। के हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, उसमें जो चेंज आने से जो क्वांटिटी अखज होती है डेट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप को, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट हैं, एक्सेलरेशन इज डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल वी यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एंड टाइम यूनिट इज अगेन सेकंड, तो मीटर इंटू सेकंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट स्टेप के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, what is the meaning of uniform acceleration, uniform acceleration, if a body moves such that its equal change in velocity in equal interval of time, then body is moving with uniform velocity। agar koi body is tarah se move kar rahi hai to uski velocity change ho, equal change in velocity agar ho rahi ho in equal interval of time, then we can say that body move with uniform velocity, a body is said to be moving with uniform acceleration if चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कंसीडर बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अनदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कंसीडर बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो डेट इज हमारे पास क्या आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया, उसकी नेचर को, उसके यूनिट को डिस्कस किया, उसका हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। तो आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आपकी होम 9th क्लास की फिजिक्स का जो एक्सेलरेशन का टॉपिक है उसके साथ जो एग्जाम्पल है सॉल्व, वो आपने सॉल्व करनी है, सॉल्व करके आपने रिटर्न करनी है। ये आपका होमवर्क है, यानी एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ जो एग्जाम्पल है बुक में वो आपने सॉल्व करनी है। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स।